नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल छे। कलकी रात जनकपुर धाम ढलके बरसर खंड अंतर्गत मिथिला नगर पालिका नंबर 6 स्थित बस ही पुल में मध्य प्रदेश 02007 पर 4264 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेल छे। दुर्घटना में महोत्तरी के भंगहा नगर पालिका नंबर 5 के 35 वर्षक कैलाश शाह के मृत्यु भेल। प्रहरी जानकारी दिलक है ओ लोसपा के भंगहा वड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसाय समेत रहल छे। हुनक प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में मृत्यु भेल सेहो प्रहरी जानकारी दिलक है। मोटरसाइकिल में सवार दोसर एक व्यक्ति फरार रहल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता DSP रंजन आवा जानकारी देलन है। फरार व्यक्ति के खोजी भ रहल छे। मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव के और दूटा मंत्रालय के सेहो जिम्मेवारी देल गेल छे। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेकपा MLA संसदीय दल के नेता समेत रहल। मंत्री यादव के गृह संचार तथा कानून आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जिम्मेवारी देने छे। ओ मंगल दिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी से पद तथा गोपनीयता के शपथ लकर पदभार ग्रहण कैलन अच्छे। ऐसे पहिने सोम दिन यादव के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री में नियुक्त कैल गेल छल। पछिला निर्णय संगे नेपाली कांग्रेस सम्हारत आयल तीनू मंत्रालय नेकपा MLA के भाग में पड़ल छे। MLA के 4 मंत्री आ एक राज्य मंत्री देवाक सहमति भेल सेहो मंत्री यादव जानकारी देलन अच्छे। संघ में सत्ता गठबंधन परिवर्तन संगे मधेश लगात सब प्रदेश में एकर असर देखल गेल छे। मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव मीडिया सबके बचेबाक लेल राजनीति कर्मी के ध्यान देल जेबाक बतौलन अछि। धनुषा के धनुषाधाम स्थित रेडियो धनुष के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव संचार माध्यम सबके संरक्षण दिस कोनो सरकार ध्यान नहीं देने कहित आवश्यक कानून सब निर्माण क के मीडिया सबके बचाओल जेबाक बतौलन। हाथ उठवे पड़ते कि मीडिया के बचाव पड़ते, मीडिया के संरक्षण करे पड़ते, पत्रकार के जे बचवे पड़ते। जब बीज बचल रहते तबे जे हम अहाँ फल के आस कर जब बीज नहीं बचते तो कथी आस कर सके छी। अवस्था ई छे, अइ के लागी जे सब पक्ष के पहल भेनाय जरूरी छे। कार्यक्रम में मीडिया काउंसिल मधेश के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास मधेश में रहल संचार माध्यम सबके अवस्था दयनीय रहल कहत मर्जर कैल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। मीडिया सब केना दौड़ते ओकरा एकटा मर्ज के एकटा सेहो व्यवस्था लाबि रहल छी अहाँके, मुदा सफल हेतै कि नहि हेतै अहाँके जे धनुषे के बात लेल जाए अहाँके तऽ 1050 पद पत्रिका 12 FM छै, 5 टेलीविजन छै अहाँके। ओ अर्थ हमरा बुझाए कि एहिठामे थेनाइ बड़ा मुश्किल छै अहाँके। 18 पालिका में एते पद पत्रिका एते अहाँके FM टेलीविजन, ताहि दुआरे एकटा मर्ज के सेहो एकटा बातचीत चलि रहल छै। कार्यक्रम में रेडियो धनुष के संचालक मुकेश ठाकुर के साथे विभिन्न दलक राजनीति कर्मी सब पत्रकारिता क्षेत्र में देखल गेल विकृति के साथे पत्रकार सब भोगत आबि रहल समस्या लगात विषय में धारणा रखने छल। 5 मुश्किल से जाय छे वो पवनी तिहार के हिसाब से हम सब ग्रामीण भेग में गर्दा धुआं धूलो खा के काम करे छे, मेहनत करे छे। 30 के महीना होय है, 22 हम अपनो दवाई खाई छी। कहाँ कोनो सरकार स्वास्थ्य उपचार में एक पत्रकार के सहयोग करे पड़ती के आवाज उठेलिए। यो बात सब आज चाहे स्वास्थ्य के गारंटी के करते, इंश्योरेंस के जिम्मा के लेते। हमारा सबके चुनौती है गिर पड़े हम आप प्रेम जी मधेश भवन में अंतर वार्तालाप का वित्तीय उद्योग पर्यटन वाले मंत्रालय मंत्री के ओकर हड्डी टूट गए, हमारा हाथ टूट गए। 4 वार्षिक उत्सव मनाब रहा FM स्थानीय विषय वस्तु उठान करित आबि रहल छे। नेकपा माओवादी केंद्र के पार्टी पदाधिकारी बैठक में पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा पकड़ायल विषय में परामर्श भेल छे। मंगल दिन भिनसर प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटाड़ में बैसल बैठक में उपाध्यक्ष महरा पकड़ायल संबंध में परामर्श भेल छे। परामर्श बाद संचारकर्मी संग बात करते पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा उपाध्यक्ष महरा
पकड़ायल विषय में पदाधिकारी बैठक में परामर्श भेल आ पार्टी फिर से बैठक बैस कर निर्णय करबाक बतौलन। सोन प्रकरण में सोन दिन भैरावा से उपाध्यक्ष महरा के प्रहरी पकड़ने छल। काठमांडू जिला अदालत महरा के 4 दिनक म्याद बढ़ाकर अनुसंधान कर अनुमति समेत द चुकल छे। ओ महरा पकड़ायल संबंध में विभिन्न पक्ष से परामर्श भेल। पार्टी के दोसर पदाधिकारी बैठक महरा के विषय में आधिकारिक रूप में निष्कर्ष लगेबाक बतौलन। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राय यादव पक्ष के केंद्रीय समिति बैठक माओवादी केंद्र संग पार्टी एकता करवाक पार्टी एकता संयोजन समिति के निर्णय के अनुमोदन कयने छे। मंगल दिन काठमांडू में बैसल अध्यक्ष यादव पक्ष के केंद्रीय समिति बैठक बीतल शनि दिन बैसल नेकपा माओवादी केंद्र आ नेसपा के पार्टी एकता संयोजन समिति के बैठक कयने पार्टी एकता करवाक निर्णय के अनुमोदन कयने छे। तहिना दोसर अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय अपन पक्ष के नेता सबके पदमुक्त करवाक कयने निर्णय के अमान्य घोषणा के स अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ जानकारी दिलने छे। वो अपना सबके क्यों पदमुक्त केला पर पदमुक्त हेबाक आ नहीं केला पर पदमुक्त नहीं हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। बैठक सब प्रदेश सब में इंचार्ज आ स इंचार्ज सेहो तोकने छे। जय अनुसार कोसी प्रदेश इंचार्ज के जिम्मेवारी राजेंद्र कुमार किराती आ अध्यक्ष के जिम्मेवारी विमला अड़ियाल के दल गया छे। मधेश प्रदेश इंचार्ज में देवेंद्र यादव आ अध्यक्ष में प्रमोद यादव, बागमती प्रदेश इंचार्ज में अक्कल बहादुर थीम आ अध्यक्ष में वंदना सुबेदी के जिम्मेवारी दल गया छे। तहिना का गंडकी प्रदेश इंचार्ज रमेश पोखरेल आ गंडकी प्रदेश अध्यक्ष ढाका राम गौतम के बनाल गया छे। लुम्बिनी प्रदेश के इंचार्ज तो का बाकी रहल छे। तहिना अध्यक्ष उमा शंकर यादव के बनाल गया छे। ओ माओवादी केंद्र संग एकता करबाक लेल बनल कार्यदल गृह कार्य कर रहा कहत गृह कार्य पूरा भ चुकला बाद एकता संयोजन समिति में प्रतिवेदन बुझेबाक आ पार्टी एकता के मिति तय हेबाक बतौलन। आब व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद बाकी समाचार लखे। पप्पा मोहना के पुलिस पकड़ के लगे कहे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहे छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पापा ठीक है, कह लिया समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है ते *922 हच डायल क के बुझा सके छी। ए ई त हमरा बुझल है अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहि, न त कखनो झमेला में पड़ सके छी। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पदरता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है छी। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लक नेपाल टेलीकॉम में जते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज कर वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठाव वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठाव वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी आप अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए कराव वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आ गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागे और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छे। आब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने सब जनकपुर के भवन प्रास में आ गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिकर्मा सड़क। कॉन्टैक्ट 9811-25430, ISO 9001-2035। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पोखरा के सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरण में गृह मंत्री
रवि लामेछाने के अनुसंधान कैल जेबाक अवस्था नै देखल गेल बतौलने छे। मंगल दिन प्रतिनिधिसभा के बैठक में प्रधानमंत्री दहल सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरण में गृहमंत्री लामेछाने के अनुसंधान कैल जेबाक अवस्था नै देखल गेल प्रहरी के ब्रीफिंग रहल बतौलने छे। ओ रवि लामेछाने के पार्टी सरकार में अयबाक चर्चा चलला बाद अ विषय के संसद के काम कार्रवाई प्रभावित करबाक उद्देश्य लक उठाओल गेल सेहो टिप्पणी कैलने छे। ओ अखन धरि के अनुसंधान गृहमंत्री लामेछाने सहकारी के संचालक समिति लेखा समिति ऋण समिति कर्मचारी लगैत कोनो भी जिम्मेवारी आ भूमिका में नहीं रहल बतौलन। अदालत में विचाराधीन मुद्दा में सेहो हुनक नाम कतौ नहीं जोड़ल गेल प्रधानमंत्री दहाल बतौलन। पूरक जाहिरी दिला पर सेहो गृहमंत्री लामेछाने संलग्न भेल कोनो आधार आ प्रमाण पेश नहीं कैल गेला सा प्रहरी जाहिरी दर्ता करब आवश्यक नहीं मानला सा जाहिरी दर्ता नहीं केने बतौलन। लामेछाने का विषय में प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनु भएको कुरा छ, हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको संचालक समिति लेखा समिति ऋण समिति कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्य दर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका 1000 भन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै 2080 साउन 22 गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा 19 जना सुशासन कायम करबाक अपन प्रतिबद्धता में कोनो समझौता नहीं हेबाक बतौलन। अनुसंधान में कैफियत भेला पर गृहमंत्री लामेछाने के कार्रवाई कर केओ रोक नहीं सकबाक सेहो बतौलन। ओ सीधा उजरी भेला संगे राजीनामा करबाक परिपाटी कैला पर केहन अवस्था आयबा कह कर प्रश्न समेत कैलने अछि। ओ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के अ विषय में राजनीतिकरण नहीं कर आग्रह समेत कैने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दाहाल चूड़े क्षेत्र में 1 करोड़ बाँस रोपबाक बतौलन। मंगल दिन प्रतिनिधिसभा के बैठक में सांसद सब संग प्रश्नोत्तर करते प्रधानमंत्री दाहाल चूड़े क्षेत्र में 1 करोड़ बाँस रोपबाक बतौलन। ओ चूड़े क्षेत्र में 1 करोड़ बाँस रोपण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारी संग समन्वय कक विस्तृत प्रस्ताव तैयारी के चरण में रहल जानकारी दिलन। ओ चूड़े तराई मधेश क्षेत्र के संरक्षण मार्फत तराई मधेश के मरुभूमिकरण होब से रोक चूड़े के उपरका तटीय क्षेत्र में संरक्षण के गतिविधि के प्राथमिकता देवाक उद्देश्य लक काज भ रहा से बतौलन। ओ चूड़े क्षेत्र से गिट्टी बालू के उत्खनन के व्यवस्थित कर एवं चूड़े संरक्षण के लिए एकीकृत ऐन तर्जुमे कर मंत्रिपरिषद से सैद्धांतिक सहमति प्रदान भ चुकल जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री दहाल चूड़े संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना परिमार्जन भक स्वीकृति प्रक्रिया में रहल सेहो बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस पोखरा के सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरण में नाम जुड़ल गेल गृहमंत्री रवि लामेछाने के राजीनामा के विकल्प नहीं रहल बतौने छे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गृहमंत्री रवि लामेछाने के राजीनामा के मांग कायम राखने छे। मंगल दिन के प्रतिनिधिसभा बैठक के आकस्मिक समय में नेपाली कांग्रेस के सांसद दीपक गिरी गृहमंत्री लामेछाने के राजीनामा मांग कैलने छे। ओ प्रहरी लामेछाने ऊपर अनुसंधान कर रहा कहत अपने गृहमंत्री भेला पर निष्पक्ष छानबीन होब नहीं सकबाक बतौलन। ओ अपने से अपना के कार्रवाई के ने नजीर समेत नहीं भेल कहत मुद्दा के प्रभावित करबा उद्देश्य लक गृहमंत्री पद में बैसा रहबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। हमारा कुराहरू ठेठ शब्द में उठाई रहेका थियौं मुलुकलाई राजकातिर लान खोजिएको कि भन्ने भान पनि कता कता महसुस भएको छ। सामान्य सभामा महोदय हामीले मिटर ब्याज पीडितहरू हुनु या सहकारी पीडितहरू सबैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बारम्बार संसदमा र बाहिर पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ।
ओहि संबंध में प्रधानमंत्री स्पष्ट जवाब दिल जेबा कहत जवाब से भागर नहीं हेबा बतौलन। ओ स्वार्थ के द्वंद्व करबाक उद्देश्य लकर लामी छाने के गृहमंत्री नियुक्त कैल गेल कह प्रश्न समेत कने छलथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरण में ओ प्रधान तथा गृहमंत्री रवि लामे छाने ऊपर छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति बनाब मांग कने छे। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल के सांसद सब संघ के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बाद कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक गृहमंत्री लामे छाने ऊपर छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति बनाओल जेबा मांग कलने। ओ प्रधानमंत्री के लामे छाने के अनुसंधान करब आवश्यक नहीं रहल कहत जवाब अपना सबके चित्त बुझ जोकर नहीं भेल सेहो बतौलन। ओ गृहमंत्री लामे छाने ऊपर छानबीन कर पर्याप्त प्रमाण भेल जिक्र समेत कलन। ओ छानबीन कैल जेबाक आ कर नहीं हेबाक तथ्य सब ओझरायल कहत एकर निष्कर्ष करबाक लेल छानबीन समिति गठन करब आवश्यक रहल बतौलन। जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमंत्री जीलाई जानकारी दिएको छैन। यदि जानकारी दिएको छ भने सम्माननीय नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री जीले यसलाई गंभीरतापूर्वक यसलाई अत्यंत सीरियस ढंगले हेर्नु भएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ। यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आजभन्दा तिन चार दिन दुई दिन तिन दिन पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हुन् कि होइनन्? अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जमा गरिएको थियो, त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री माननीय रवि लामे छाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन? अब यो पनि प्रमाण होइन। पीडितले भनेका कुरा प्रमाण। निष्पक्ष छानबिनक लेल सेहो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहल बतौलन। ओ सरकार कांग्रेसक मांग के गंभीरतापूर्वक नहीं लेला पर सरकार अपने से संसद अवरोध कने मानल जेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद डॉक्टर स्वर्णिम बागले भंसार के एकीकृत व्यापार एवं उद्योग प्रवर्धन केन्द्र के रूप में विकास करब आवश्यक रहल बतौलन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में भंसार विधेयक ऊपर के परामर्श में बाजत ओ एना बतौलन। ओ भंसार के राजस्व संकलन केन्द्र के रूप में मात्र लेबर नहीं हेबाक बतौलन। ओ नेपाल में भंसार बदनाम शब्द के रूप में चिन्हल गेल बतौलन। ओ भंसार मालदार अड्डा पैसा कमाय वाला ठाम सेटिंग चुहावट तस्करी कर छाली अवैध व्यापार के पर्याय बन चुकल बतौलन। ओ भंसार एजेंट सब के लाइसेंस हो उचित नियमन होबा नहीं सकल बतौलन। दार अड्डा का रूप में चिनिन्छ पैसा कमाउने थलो सेटिंग चुहावट तस्करी कर छली अवैध व्यापार को लागि पर्याय नै बनेको छ भंसार। अब यह सन्धि महासन्धि हेर्यो भने यति प्योर होइन यति जायज भाषाहरू यहाँ त्यो डेजुरे उसमा त्यो देखिन्छ तर डिफ्याक्टो अभ्यासमा के छ असाध्यै चाहिँ बदनाम नै छ। त्यसैले अहिले भन्सार एजेन्टहरूको लाइसेन्सहरू पनि उचित नियमन नहुने बिक्री हुने भाडामा इत्यादि होइन भारतीय एजेन्टहरू आएर बिचौलियाहरू बिगबिगी भन्ने जुन ओ भन्सारमै डिजिटलाइजेसन के भरपूर उपयोग गरब आवश्यक रहल सो बताउने छलथि। ओ प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामे छाने नेपाली कांग्रेस सीधा उजुरी के आधार में संसद अवरोध कक अपन रायनामा मांगने कहत आपत्ति जनौलन। मंगल दिन संसद भवन परिसर में संचारकर्मी संग बात करत ओ कांग्रेस दूध से नहाल कह दूध से नहाल पार्टी नहीं भेल टिप्पणी समेत कलन। ओ कांग्रेस पूरक उजुरी में संसद अवरोध करबाक अभ्यास सिखाब खोजने बतौलन। ओ सीधा उजुरी में संसद अवरोध करबाक अड़ान में कायमे रहा सेहो कांग्रेस के चुनौती दिलन। ओ कांग्रेस के चार वर्ष संसद अवरोध करत रह सेहो चेतावनी दिलन। अब त्यो उहाँले माग्ने कुरा हो होइन माग्ने कुरा समयसूचीमा 15 मिनेटमा या 15 घन्टामा पछि हुन्छ त अहिले कहाँ पाइन्छ त भएपछि पाइहाल्नुहुन्छ। मैले कुरा म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी काम गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ कामको सङ्केत यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब जुन ढङ्गले संसद अवरुद्ध भएको छ अब ठिकै छ नि त एउटा उजुरीमा पूरक उजुरीमा ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्।
राजनीतिक लामो राजनीतिक इतिहास भएका संसद भएका साथीहरू आज एउटा उजुरीमा ठाडो उजुरीमा चाहिँ संसदै अवरुद्ध गर्ने समिति नै ओ अपना काम स अखन उठल प्रश्न के जवाब देवाक सेहो बताने छलैथ। नेकपा माले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस परिपक्व प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह कैल जवाक बतौलन। मंगल दिन संसद भवन परिसर में संचारकर्मी संग बात करे तो ओ एना बतौलन ओ कांग्रेस सरकार से बहरायल पीड़ा पोख रहा आरोप लगौलन। ओ सरकार से बाहर भेला लगले नेपाली कांग्रेस आवेश उत्तेजना देखेबाक प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति क्रियाकलाप करबाक आ संसद अवरुद्ध करबाक जेहन क्रियाकलाप करत आबि रहल बतौलन। अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ। सरकारभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश उत्तेजना देखाउने आग्रह देखाउने अनि प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। हामी नेपाली कङ्ग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान गर्छौँ। अध्यक्ष ओली सहकारी प्रकरण में उप प्रधान तथा गृहमंत्री रवि लाने छाने ऊपर छानबीन कर कांग्रेस संसदीय समिति के मांग के पर संभव नहीं रहल बतौने छे। आ व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे अब के पढ्छु डाक्टर भन्छु बेस्ट कलेजेस मा अप्लाई गरेकी छु सबै कलेज उस्तै होइनन् र हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु प्यारासुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरुका लागि यो तीन तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर प्यारासुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुस् सुक्खापनलाई टाढा राख्नुस् जब केस हेड मजबूत तब लागब आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ पांच राजनीतिक दल न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता आ सजिया संकल्प सार्वजनिक केने छे। सत्तारूढ़ दल सब नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता सब के उपस्थिति में मंगल दिन न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता आ सजिया संकल्प सार्वजनिक कयल गेल छे। दल सब के सजिया संकल्प में अर्थतंत्र में उत्पादन से उपभोग धैर्य लगानी से व्यापार धैर्य देखल गेल शिथिलता हटाव नीतिगत सुधार करत आर्थिक क्रियाकलाप सबके तीव्रता देवाक कहल गेल छे। दल सबके सजिया संकल्प प्रस्तुत करत नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष तथा सजिया संकल्प मस्यौदा समिति के संयोजक विष्णु प्रसाद पौड़ेल सुस्त कर्जा प्रवाह आ पूंजीगत सार्वजनिक खर्च के न्यूनता जेहन समस्या के समाधान करवाक वित्तीय आ मौद्रिक नीति बीच समन्वय करत तत्कालीन आ मध्यकालीन लगानी आ रोजगार मैत्री नीतिगत सुधार में बाधा पहुँचावला विभिन्न कानून सब संशोधन कैल जवाक बतौलन। तहिना का वित्तीय संस्था सब में उत्पन्न समस्या समाधान कर विभिन्न समय में गठित आयोग सब के सुझाव के क्रमशः कार्यान्वयन करत सहकारी लघु वित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेन संबंधी समस्या समाधान करवाक से दल सब के सजिया संकल्प रहल जानकारी देल गेल छे। सत्तारूढ़ पांच राजनीतिक दल कोनो भी कालखंड में भेल भ्रष्टाचार आ भ्रष्टाचारी सब ऊपर कानूनी कार्रवाई आगा बढ़ेबाक संकल्प कयने छे। मंगल दिन पांच राजनीतिक दल के न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता आ सजिया संकल्प सार्वजनिक करत कोनो भी कालखंड में भेल भ्रष्टाचार आ क्यों भ्रष्टाचारी ऊपर कानूनी कार्रवाई आगा बढ़ेबाक बताओल गेल छे। दल सब अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जेहन नियामक निकाय के कानून जनशक्ति स्रोत आ साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाकर भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सदाचार के प्रत्याभूति करेबाक सेहो प्रतिबद्धता कयने छे। राष्ट्रीय परिचय पत्र के प्रचलन में आनबाक कानून भेल आ फड़क फड़क कार्यालय में नागरिकता लगायत कागजात बेर बेर बनाओल जेबाक झंझट के हटाव नागरिक ऐप के सुदृढ़ कक अही मार्फत सब प्रकार के सेवा उपलब्ध करेबाक सेहो बताओल गेल छे। सरकारी सेवा सब तोकने समय में उपलब्ध कराव टाइम कार्ड प्रणाली लागू करबाक सेहो दल सब के सजिया संकल्प में रहल बताओल गेल छे।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सत्ता समीकरण से सेहो जनता में नया आशा जगाव नहीं सकला पर देश समस्या में परत बतौलन मंगल दिन सत्तारूढ़ दल सबके न्यूनतम सजिया कार्यक्रम में बाजत ओ एना बतौलन ओ सत्तारूढ़ दल सब न्यूनतम सजिया कार्यक्रम घोषणा के बात में से बेसी कार्यान्वयन के काम में लगवाक बतौलन ओ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के व्यवहार में जनता के सेवा देवाक बात में जिम्मेवारी बोध आ तत्परता से अखन के सत्ता समीकरण के औचित्य पुष्टि करवाक बतौलन ओ नया सत्ता समीकरण आ संकल्प से सेहो जनता में नया आशा जगाव विकासक गति देव नहीं सकला पर देश और समस्या में जेबाक बतौलन वीरता तत्परता आवश्यक छ जनता में अहिले एउटा नया आशा जगाउन भरोसा जगाउने उद्देश्य का साथ राष्ट्र को बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिंदु में राखेर अगाडि बढ्ने उद्देश्य का साथ र समृद्धि को एउटा नया यात्रा तीर हामी जानु पर्छ भन्ने उद्देश्य का साथ नै यो नया समीकरण अगाडि आए। प्रधानमंत्री दाहाल वर्तमान सरकार नया संकल्प के साथ अब देश आ जनता के पक्ष में काज करबाक अड़ान लक आगा बढ़ल बतौलन अखन समाज में नकारात्मक भाष्य बनेबाक आ नकारात्मक बात के अधिक प्रोत्साहित करबाक प्रवृत्ति हावी रहल कहित ओ असंतुष्टि व्यक्त केने छलथि। जनकपुर धाम स्थित नवजीवन हॉस्पिटल में कैंसर रोग के इलाज के लिए शल्य क्रिया सेवा शुरू भेल छे। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 9 ब्रह्मपुरी में रहल ई अस्पताल विविध उपचार सहित शल्य क्रिया सेहो दे रहल छे। केमोथेरापी रेडिएशन सहित के सेवा सब समेत उपलब्ध रहल। हॉस्पिटल के संचालक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शाह बतौलन मधेश के विकराल समस्या बनत गेल कैंसर रोग के सहज आ सुलभ इलाज स्थानीय स्तर में करवाक उद्देश्य लक विशेषज्ञ चिकित्सक सबके सहकार्य में ई रोग के इलाज करत आब रहल से ओ बतौलन। दोसर विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र भगत मधेशक जिला सब में बच्चादानी के मुँह के कैंसर फेफड़ा आ स्तन के कैंसर अधिक होत आयल बतौलन। तहिना अस्पताल बच्चादानी आ बच्चादानी के मुँह के कैंसर के निःशुल्क परीक्षण समेत कऽ रहल जानकारी दिलक संगे पित्त थैली अपेंडिक्स बच्चादानी निकलबाक किडनी के पथरी के शल्य क्रिया के संगे लैप्रोस्कोपी विधि दूरबीन माध्यम से हेबाक शल्य क्रिया सेवा समेत उपलब्ध रहल बताओल गेल छै। धनुषा में संत गरीब दास जी महाराज के बोध दिवस मनाओल गेल छै। धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में रहल सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्यता में संत कबीरदास जी महाराज के बोध दिवस मनाओल गेल छै। चैत 6 गते से 8 गते धरि संत गरीबदास जी रचित अमर ग्रंथ के अमर पाठ संत रक्तदान शिविर दहेज मुक्त सामूहिक अंतर्जातीय विवाह तथा विशाल भंडारा कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल छै। मंगल दिन पाठ प्रकाश आरती कक ई पाठ प्रारंभ कैल गेल छै। एहि कार्यक्रम में नेपाल भारत भूटान लगैत और विभिन्न देश से आयल श्रद्धालु सब सहभागी भ रहल छै। संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के उम्र में कबीर साहेब जी एहि धरती में सशरीर जिंदा बाबा के भेष में प्रकट भ हुनका मंत्र उपदेश देने याद में ई दिवस मनाओल जा रहल छै। नेपाल प्रहरी 21 वर्ष पहिने साथी के हत्या कक फरार रहल अभियुक्त के पकड़ के सार्वजनिक केने छै। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कक एहि विषय में जानकारी करौने छै। पकड़ायल में 21 वर्ष पहिने संजय शाही के हत्या कक फरार रहल तीखे कहे वाला तेज बहादुर राय रहल काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के DSP सुरक्षा केसी जानकारी दिलन। 41 वर्ष के राय सोलुखुम्बू नेचा सल्यान गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के रहल छै। ओ मापसे कक झगड़ा कैला से साथी के हत्या केने बताओल गेल छै। 21 वर्ष पहिने काठमांडू जिला काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 मरु ढोका ईना टोल में रहल एक पशु वधशाला में हत्या भेल छल। तेना प्रहरी 16 वर्ष पहिने धर्मराज बिष्ट के हत्या के योजनाकार के सेहो पकड़ के सार्वजनिक केने छै। 2064 साल अखाड़ 26 गते ललितपुर जिला के तत्कालीन
ललितपुर उपमहानगरपालिका 22 शंखमूल स्थित ललितपुर इमाडोल घर भेल 33 वर्षक धर्मराज बिष्ट के हत्या भेल छल। ओहि घटना के योजनाकार के प्रहरी 16 वर्ष बाद आई पकड़ने छै। पकड़ायल में 41 वर्षक धादिंग बूढ़ाथुम गांव पालिका बूढ़ाथुम गावी से वार्ड नंबर 3 साबिक गंगा जमुना गांव पालिका वार्ड नंबर 7 के अखनका ललितपुर 26 में रहत आयल सविता थापा अधिकारी रहल छै। धर्मराज बिष्ट मीन भवन कॉमर्स कैंपस के प्राध्यापक रहल आ सामान्य चीन जान रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। दुनू के कानून अनुसार कार्रवाई के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।